जी बढ़िया। और सुनाओ क्या कुछ चल रहा है आजकल? क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम आपका? क्या नाम है इस बच्ची का? क्या करोगे नाम पूछ के इसका? और तुम हो कौन? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। क्या ये बच्ची पढ़ती है? पढ़ती है? कौन पढ़ाएगा इसे? हमारे घर में खाने को तो ढंग से है नहीं, इसे कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन इस बच्ची का पढ़ाई में पूरा मन है। मैं जब भी यहाँ से आता जाता हूँ तो इसको देखता हूँ, किताब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर पलटती रहती है। मुझे लगता है इस बच्ची को पढ़ाना चाहिए। मेरा पति 2 साल से बीमार है, 2 बच्चे और हैं मेरे पास। मैं बाहर जाके दूसरों के घर में काम कर कैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाती हूँ, इनको कैसे पढ़ाऊंगी? शायद ये परंपरा भी टूट सकती है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, अगर ये पढ़ लिख कर कल कुछ बन जाए। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम तो देखने में अच्छे घर के लगते हो, तुम ही क्यों नहीं पढ़ाते इसे? मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मैं जल्दी बताऊंगा, ये बच्ची पढ़ेगी। क्या नाम बेटा आपका? परी। परी? मेरा प्यारा सा बच्चा परी पढ़ेगा। पढ़ोगे ना? पढ़ोगी? शाबाश। तसव्वुर, बेटा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है बताओ मुझे। अम्मी जान, आपसे एक बात पूछें। क्या अगर आपकी एक बेटी होती तो आप उसको भी पढ़ाते? अरे बेटा, तुम तो जानते हो अपने यहाँ बेटियों को कहाँ ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर भी हमारी कोई बेटी होती तो हम जरूर उसे पढ़ाते। पर बेटा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो बताओ मुझे। अम्मी जान, आते हुए बस्ती में मैंने एक बच्ची को देखा। वो पढ़ना चाहती है। उसमें पढ़ाई का एक जुनून है। माँ, मैं उसको पढ़ते देखना चाहता हूँ, भले चाहे उसका खर्च हमें उठाना पड़े। आप उसका खर्च उठा लो ना माँ। तसव्वुर बेटा, तुम तो अपने घर के हालात को जानते ही हो। घर का खर्च, तुम्हारे अब्बू बीमार रहते हैं, उनकी दवाई और घर के और खर्चे करने के बाद अपने हाथ में बचता ही क्या है बेटा। हमारा तो घर भी अपना नहीं है, किराए के घर में हम रहते हैं। ये तो भला हो तुम्हारे भाई का जो सऊदी से कुछ पैसे कमाकर भेज देता है तो अपने घर का खर्च अच्छे से चल जाता है बेटे, नहीं तो हमें भी ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पर तेरा नेक विचार है और तू नेक बच्चा है, जो तुझे करना है बेटे तू खुद ही करेगा। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी कह देती हूँ, जो तुझे करना है बेटे तू खुद ही करेगा। मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। जो तुझे करना है बेटे तू क्या करोगे नाम पूछ के इसका? और तुम हो कौन? क्या ये बच्ची पढ़ती है? पढ़ती है?
कौन पढ़ाएगा इसे? तुम तो देखने में अच्छे घर के लगते हो, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाते इसे? जो तुझे करना है बेटे तू खुद ही करेगा। मुझे लगता है इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी बताऊंगा। अरे बंद करो यार, बंद करो यार। यार पहले से ही दिमाग खराब हो रहा, ऊपर से तुमने कर रखा है। यार ये तसव्वुर भाई, अगर इन्हें शो करना है तो करें, वरना हमें साफ मना करें। शो का टाइम नजदीक आ रहा और ये तसव्वुर भाई का पता नहीं कहाँ है यार। रवि भाई, तनु भाई, अब आप ही उनसे पूछना, आखिर ये चक्कर क्या है? सही कह रहे हो रवि भाई, आज आ जाएं तो सबसे पहले यही बात करते हैं। चलो कंटिन्यू। लो आ गए जनाब। तसव्वुर भाई, भाई शो का टाइम नज़दीक आ रहा है, भाई तुम्हें अगर शो करना है तो हमें बता दो, नहीं करना तो भाई हमें वैसे बता दो, हम किसी और का इंतज़ाम कर लेंगे। भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई? भाई शानू भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा यार? हम इतने पहले आके बैठ जाते हैं, तुम्हारी इंतज़ार करते हैं, तुम्हारी वजह से रिहर्सल रुकी पड़ी है। आखिर आपको हुआ क्या है भाई तसव्वुर भाई? भाई क्या टेंशन है यार, बता भाई क्या टेंशन है यार, बता ना। टेंशन तो है। कैसी टेंशन भाई? एक छोटी सी 5 साल की बच्ची। बता भाई। शानू भाई, ये करना चाहता हूँ मैं। तसव्वुर भाई, ये सपने सबके होते हैं, पर उनके लिए हमें अपने सपने पूरे करने पड़ेंगे, और आप वैसे भी किस चक्कर में पड़ गए, ये काम सब एनजीओ के होते हैं। अरे भाई गरीब बस्ती तो हर शहर में होती है, अब किस किस को पढ़ाओगे जाके? इतना मत सोचो भाई, अब शो के बारे में सोचो। सही कह रहा है। तसव्वुर भाई, अल्लाह ने तुम्हें बहुत प्यारा दिल दिया है, पर तसव्वुर भाई पहले आप अपनी सिंगिंग पे ध्यान दो, पहले आप कुछ बन जाओ, उसके बाद जिसको मर्जी तुम पढ़ा देना भाई। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? चलो हम सब रिहर्सल करते हैं, चलो कमऑन कमऑन तसव्वुर भाई। जो तुझे करना है बेटे तू क्या करोगे? नाम पूछ के इसका, और तुम हो कौन? क्या ये बच्ची पढ़ती है? पढ़ती है, कौन पढ़ाएगा इसे? तुम तो देखने में अच्छे घर के लगते हो, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाते इसे? जो तुझे करना है बेटे तू खुद ही करेगा। मुझे लगता है इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी बताऊंगा। अरे ये क्या हो गया? शानू भाई आप ही समझाओ। हाँ ठीक है रवि भाई, मुझे इससे जाके बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ जाके। तसव्वुर भाई, क्या तुम सचमुच में उस लड़की को पढ़ाना चाहते हो? हाँ शानू भाई, मैं उस बच्ची को पढ़ते देखना चाहता हूँ। पर भाई तुम्हें उसे पढ़ाने के लिए कम से कम पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम जॉब? हाँ। क्या? पर तुम तभी उस बच्ची को पढ़ा सकते हो। मैं आज ही जॉब ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, समझो तुम्हें जॉब मिल गई। पर कहाँ? वो गोल चबूतरा है ना, वहाँ पर मेरे चाचा रहते हैं, उन चाचा ने ना मुझे जॉब के लिए कहा था, उस नौकरी की जरूरत तुम्हें है तसव्वुर भाई, तुम कल से ही वो जॉब संभाल लेना। मैं ये तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा मेरे दोस्त? एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त।
जा। अरे आ गया तसव्वुर। ओ मेरा बच्चा कहाँ रह गया था, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। बहुत खुश हूँ। पहले पहले तुम खाना खाओ। पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो माँ। हाँ बैठो, पहले तुम खाना खा लो। आज तुम पहले मेरी बात सुनो। अच्छा। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या करके आया आज बच्चा इतना खुश है? आज मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है माँ, उस बच्ची के लिए, ताकि हम उसे ठीक से पढ़ा सकें। बहुत खुश हूँ माँ मैं, बहुत खुश हूँ। चलो बेटा, जो सपना तूने देखा है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हें उसमें सवाब मिले, और इसी तरह तुम नेकी के रास्ते पे चलते रहो। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। अब यहीं बैठे रहोगे या कुछ खाने को भी दोगे? चलो, बहुत भूख लगी है माँ। चलो खाना खाते हैं। परी, परी बेटा, आपको बहुत शौक है ना पढ़ने का? अब मेरा बच्चा स्कूल जाएगा पढ़ने, जाओगी ना स्कूल? ये है इसकी ड्रेस, और कल हम इसका एडमिशन कराने स्कूल जाएंगे। कल सुबह आप इसको रेडी रखना, ठीक है बेटा? ओके, अच्छा मैं चलता हूँ। स्कूल जाएगी, स्कूल जाएगी ना रेशु? नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। बेटे क्या नाम है आपका? रेशु परी। ओके। सर इस बच्ची का एडमिशन कराना है। आप किसके साथ आए हो? मम्मी के साथ। ओके। और सर आप कौन? सर मेरा नाम तसव्वुर अंसारी है। आप क्या लगते हैं गुड़िया के? वैसे तो इस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता है, और मैं इस बच्ची को पढ़ते देखना चाहता हूँ। इस बच्ची में भी बड़ी लगन है पढ़ाई की सर, और इनकी मम्मी जी हैं, पापा इनके बीमार हैं, वो आ नहीं सकते। इस बच्ची का एडमिशन कराना है सर। तसव्वुर आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, साथ ही सिंगिंग क्लास भी ज्वाइन की हुई है, सिंगिंग सीखता हूँ। पर जब आप कोई जॉब नहीं करते तो इस बिटिया का खर्चा आप किस प्रकार उठा पाएंगे? सर इस गुड़िया के लिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया है। ओके। और उसकी सैलरी से तो उस बच्ची का खर्च उठ ही जाएगा सर। देखिए गर्ग साहब, इंसानियत आज भी जिंदा है। तसव्वुर जी मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस बच्ची से आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद आपने इसके लिए इतना सोचा, तो इस बच्ची की एडमिशन फीस और इसकी ड्रेस का खर्चा मैं वहन करना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। थैंक यू सर। जब आप सब लोग इतना सब कुछ इस बच्ची के बारे में सोच रहे हैं, तो ये स्कूल भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में इस बच्ची की फीस में 50% की छूट प्रदान करता है। थैंक यू सर। अच्छा हम लोग चलते हैं सर।
आपकी जो कहानी है उसे सुनकर मुझे आज बेहद अफसोस हो रहा है, लेकिन खुशी भी बहुत ज्यादा हो रही है कि आप कहाँ से कहाँ उठ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस फरिश्ते ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया उसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, उस फरिश्ते के लिए तो मैं जितना भी लिखूं, जितना भी कहूं, मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत कम होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ उसके लिए मैं दो ही शब्द कहना चाहूंगी, सलाम साहब। रेशु जी, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर। हम हमेशा इस प्रोग्राम में ये दिखाना चाहते हैं जो शख्सियत होती हैं वो देश के लिए कैसे मिसाल बन सकती हैं, उसमें से आप भी एक हैं। इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये था हमारा खास प्रोग्राम मिसाल, जिसके अंदर हमेशा हम एक नई शख्सियत लेके आते हैं जो आपको दिखाते हैं, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, या हम इस तरह के प्रोग्राम और बनाएं, ये आपके ऊपर है। माँ की तरह जो ममता लुटाए उसे कहते हैं बेटी, बहन बनकर जो प्यार दिखाए उसे कहते हैं बेटी, पत्नी बनकर जो जीवन भर साथ निभाए उसे कहते हैं बेटी, और बेटी बनकर जो अपना सब कुछ लुटाए उसे कहते हैं बेटी। बेटा अगर घर की शान है तो बेटी घर का मान और सम्मान है। जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से बेटियों ने सिद्ध करके दिखाया है। शायद ही आज कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां बेटियों ने सफलता का परचम नहीं लहराया हो। कैसे संभव हुआ ये सब? एक ही कारण है, वो है बेटियों का सुशिक्षित होना। हमारी इस लघु फिल्म को बनाने का उद्देश्य व चित्रण भी यही है कि आज समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें शपथ लेना होगा कि हम सब मिलकर इस बेटी धन को बचाएंगे और पढ़ाएंगे, और यह नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और उन्नत करेंगे। सोनोटेप कैसेट।